हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया में एरिया के वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पेरीमीटर के प्रॉब्लम्स किए थे, आज एरिया के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ ए कार्पेट इज 5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 3 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ए फ्लोर विल इट कवर। एक कारपेट है हमारे पास जिसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर और ब्रेथ है उसका 3 मीटर। ये देखो यहाँ पर एक कारपेट है जिसकी लेंथ 3 मीटर, सॉरी सॉरी लेंथ इसका 5 है, जिसकी लेंथ 5 मीटर और ब्रेथ 3 मीटर गिवन है। ठीक है, हाउ मच एरिया ऑफ ए फ्लोर विल इट कवर। तो ये हो गया एल 5 मीटर, डी 3 मीटर। ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हम इसे वर्ड में पहले लिखेंगे, द LNG टी एस लेंथ ऑफ ए, ये यहाँ पर ए नहीं होगा, द होगा, द लेंथ ऑफ द कारपेट 5 मीटर, द मीटर। अब निकालेंगे क्या एरिया, द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द कारपेट। आरुष, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द कारपेट? द एरिया ऑफ द कार्पेट विल बी 3 × 5 = 15 मीटर्स। यस, 5 मीटर इंटू 3 मीटर, क्योंकि यहाँ ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये है हमारा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, यही है हमारे रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। ये अगर आपने रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 × 15 और ये एम इंटू एम मीटर स्क्वायर। अब चेक करो इसमें मीटर में ही है ना, कुछ सेंटीमीटर सब में तो नहीं मांग रहा है। नहीं, हाउ मच एरिया ऑफ ए फ्लोर विल इट कवर, बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ फ्लोर कवर्ड बाय द कारपेट, ये इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 15 मीटर स्क्वायर। ये जो इसके अंदर का स्पेस है ये है हमारा 15 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। एक ये कारपेट है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, ब्रेथ 3 मीटर है, इसने इसका टोटल एरिया हमारा 15 मीटर स्क्वायर है, इसने फ्लोर का 15 मीटर स्क्वायर कवर किया हुआ है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, पहले इसे इरेज कर लेते हैं यहाँ से, पहले इरेज हो जाओ भाई। चलो अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए कैरम बोर्ड इज 90 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है
देखो क्वेश्चन नंबर टू, कोई कैरम बोर्ड है, ठीक है, ये कैरम बोर्ड है, चारों तरफ से बराबर है क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, 90 सेंटीमीटर है साइड, चारों तरफ बराबर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए कैरम बोर्ड, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द कैरम बोर्ड इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, इट मीन्स ए इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया आरोस, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ए स्क्वायर, देन ए इज 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर, ये ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए या साइड इंटू साइड भी लिखते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट साइड इंटू साइड और ए इंटू ए, और यू कैन ऑल्सो राइट इट ए स्क्वायर। देन इट इज 9 9 जा 81 और 10 और 10 20 एंड सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यू कैन राइट इट सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, बोथ आर करेक्ट। यू कैन राइट इट 8100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8100 स्क्वायर सेंटीमीटर, बोथ आर करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। 90 सेंटीमीटर एक साइड है कैरम बोर्ड का, तो उसका एरिया कितना हो गया, 90 × 90 हो गया ए स्क्वायर, तो ये इसका आंसर। इज इट करेक्ट आरुष? यस इट इज करेक्ट। चलो अब लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल इज 45 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 30 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। चलो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज 45 मल्टीप्लाई बाय 30 व्हिच इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 3। द लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल इज 45 मीटर 1350 एंड इट्स ब्रेथ इज 30 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्विमिंग द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज आरोस द लेंथ ऑफ द स्विमिंग 45 मीटर एंड द ब्रेथ ब्रेथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज 30 मीटर और द एरिया ऑफ द
the area of the swimming pool. What is the A formula for area? What is the formula? A equal to L into B. This is the formula for the square of, this is the formula for the area of a rectangle. So 45 into 30, 5 threes are 50, 4 threes are 12 and 1, 13 and 0. ये मीटर एंड दिस इज ऑल्सो मीटर एंड दिस विल बी मीटर स्क्वायर. हेंस द एरिया ऑफ द स्विमिंग पूल इज, आरुष व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्विमिंग पूल इज 1350 स्क्वायर मीटर. यस यू कैन ऑल्सो राइट इट 1350 स्क्वायर मीटर. बोथ आर करेक्ट. ओके Now we will solve question number 4. चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 30 मीटर. व्हाट इज इट्स एरिया. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. द साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज गिवन. द लेंथ ऑफ The side of a square shaped field is 30 meter. ये एक स्क्वायर शेप्ड है तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही विड्थ भी होगी. ठीक है, अगर ये 30 मीटर है तो दिस विल बी ऑल्सो 30 मीटर. एंड इट्स एरिया, एरिया द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर. इट मीन्स 30 मीटर इंटू 30 मीटर इट मीन्स 900 मीटर स्क्वायर. Then we can write the area of the square shaped field equal to 900 meter square. You can also write it 900 square meter. Both are correct. समझ में आ गया? ये एक स्क्वायर के शेप का फील्ड है जिसका कि एक साइड 30 मीटर है. जब एक साइड 30 मीटर और स्क्वायर है तो ये भी 30. तो इसका एरिया हो जाएगा 30 इंटू 30. तो इसका एरिया हो गया 900 मीटर स्क्वायर. हमारे एरिया चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो गए. एक बार बच्चों आप इसे अपने कॉपी में बनाना. अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना. ठीक है बच्चों, ओके बाय.